सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। ग्रीन कॉरिडोर की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा वृद्धि की मांग को लेकर गांव ढाणी फौगाट में धरना दे रहे किसानों ने रविवार को धरना स्थल पर 8 गांव की पंचायत आयोजित की। पंचायत ने कई धरना कमेटी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसानों की मांगों को लेकर सभी गांव के पंचायत समर्थन में है। अगर समय रहते किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी का विरोध करते हुए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में विभिन्न खापों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का साथ लिया जाएगा। गंगहेड़ी से नारनौल जाने वाले नेशनल हाईवे 152D के लिए अधिग्रहण होने वाले भूमि की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। रविवार को आयोजित पंचायत में गांव ढाणी फौगाट में गांव रामनगर कपूरी ढाणी फौगाट पातुवास महाराणा खेणी सनवाल टिकाड़ कला मोड़ी समस्तपुर के पंचायत पंच नंबरदार व अन्य मौजूद लोगों ने शिरकत की। धरना कमेटी सदस्य व रामनगर सरपंच राजीव कुमार ने कहा कि पंचायत में उपस्थित सभी गांव में लोगों ने माना है कि पहले की अपेक्षा जमीन में मार्केट रेट में कमी कर दोनों गांव के किसानों के साथ अन्याय किया है, लेकिन वह किसानों के साथ इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपने हकों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। धरने पर यहां ढाणी फोगाट में हमें बैठे 15 दिन हो गए और पहले भी 3.5 महीने से वहाँ रामनगर में धरना था, वहाँ भी किसान लगातार बैठे हुए हैं। इस पूरे के पूरे मामले में सरकार किसानों को केवल गुमराह करने का काम कर रही है और सरकार बार बार में बातचीत के लिए बुलाती है और किसी भी परिणाम पर ना पहुंचकर किसानों को केवल बेवकूफ़ बना रही है। क्या मांग? मांग सीधी सी है, हमारी ज़मीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम 2 करोड़ रुपये, टोल टैक्स में हमें हिस्सेदारी मिले, खेतों के उचित रास्ते मिले, बाकी यानी परिसंपत्तियां हैं उनका हमें उचित मुआवजा मिले। दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।